हेलो भाई जान, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर सिन पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आई है कि आज एक और यूनिवर्सिटी ने जो है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर का जो है परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया। आज हम बात करने वाले उस यूनिवर्सिटी के बारे में और साथ ही साथ जिस यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है अपना टाइम शेड्यूल नहीं जारी किया है उनके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी की भी अपडेट सही तरीके से आपको मिले तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर तभी अपडेट दी जाती है जब अपडेट आती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर आधे घंटे पर आपको अपडेट मिलती रहे कि आज यूनिवर्सिटी ने ये कहा ये कहा। जब आपको सही ऑफिशियल अपडेट मिलेगी तभी इस चैनल पर अपडेट आएगी, ठीक है? तो इंतजार करना होगा, जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आती है इस चैनल पर फटाक से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर हम बात कर लें जो यूनिवर्सिटी है वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आप सभी लोग बहुत सारा कमेंट भी कर रहे थे झांसी वाले और बार बार यही कह रहे थे कि सर अवध की अपडेट आप लाते हैं, आगरा की अपडेट आप लाते हैं, लेकिन आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की अपडेट नहीं लाते हैं। तो आज जो है 18 अगस्त यानी कल जो है यहां पर कार्यालय ज्ञापन दिया गया। अभी हो सकता है कि आपको ऑफिशियल साइट पर ना दिखे, तो कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि सत्र 2021-22 के विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों बीएड एमएड बीएलएड की दिनांक 5 सितंबर 2022 से आरंभ होकर दिनांक 16 सितंबर तक चलेगी। तो यहां पर 5 सितंबर से जो है यहां पर परीक्षा इसकी स्टार्ट हो रही है। मैं इसका टाइम टेबल भी दिखा रहा हूं। उसके पहले मैं और भी यूनिवर्सिटी की बात कर लूं जिस यूनिवर्सिटी का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, फिर चाहे जो यूनिवर्सिटी हो, अवध हो, आगरा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रज्जू भैया के भी फोर्थ सेमेस्टर बचा हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, एमजी केवीपी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जिनका भी पेपर नहीं हुआ है। तो जो भी पेपर होगा आपका वो सितंबर के महीने में आपका खत्म हो जाएगा। रज्जू भैया में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए क्योंकि रज्जू भैया ने अभी जो है जुलाई में उन्होंने अपना थर्ड सेमेस्टर का पेपर किया है, तो इसमें थोड़ा सा समय हो सकता है। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी आपके हैं जिन्होंने अपना कार्यक्रम जो है जारी नहीं किया है, तो उम्मीद तो यही है कि इसी अगस्त के महीने में आपका भी कार्यक्रम जारी हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटियां जहां पर अटेंडेंस वगैरह की अभी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पर जो है अटेंडेंस नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों पर बात करता रहता हूं, तो यार अब सभी का यहां पर एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी से कोई पॉजिटिव अपडेट मिलेगी आपकी परीक्षा को लेकर के हम आपको बता देंगे। तो बिल्कुल विश्वास रखिए, चाहे आप अवध के हैं, काशी जो है विद्यापीठ के हैं, या फिर आप आगरा के हैं, जहां भी आपका पेपर नहीं हुआ है, यकीन मानिए जैसे ही अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बारे में। तो यहां पर बीएड का जो है यहां पर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीएड प्रीवियस ईयर एनुअल एग्जाम या फिर बैक पेपर एग्जाम के बारे में यहां पर बताया गया है। 5 सितंबर से आपका पेपर है, तो अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और वहीं पर बीएड सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की अगर हम बात करें तो इनका जो है 6 सितंबर से पेपर जो है यहां पर स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप चाहो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। या फिर अगर आपने अभी तक ग्रुप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप वहां पर आ जाइए तो मैं आपको पूरा पूरा जो है वहां पर पूरा कार्यक्रम ही मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है, आप वहां पर चले जाइए। और साथ ही साथ जिन छात्रों को यूपी ट्रिपल सी पेट की तैयारी करनी है और अभी तक आपने परीक्षा वीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परीक्षा वीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर डेली शाम को 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं और वहां पर लाइव क्लासेस चलती हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर वहां पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पेट की तैयारी करनी है तो, ठीक है? तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी से अपडेट आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हां चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।